हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम छोटे छोटे फैब्रिक के कतरनों से हैंडबैग बनाएंगे, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें छोटे छोटे फैब्रिक के टुकड़े लेने हैं। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के इसको स्टिच करना है। दो फैब्रिक के टुकड़े ज्वाइन करने के बाद हमें तीसरा फैब्रिक का कटिंग लेना है और इस तरीके से स्टिच करना है। ऐसे आपको सिला के एक लंबी स्ट्राइप करनी है। इस तरीके से मैंने एक फैब्रिक की स्ट्राइप बनाया है, एक पट्टी बनाया है। और हमने और दो फैब्रिक के पट्टी लिए, वो मेरे पास प्लाजो पुराना पड़ा था उसके ही मैंने पट्टी लिए। देखिए, और इसको इस तरीके से अरेंज करके आपको एक बेस बनाना है। सारे पट्टियाँ आपको इस तरीके से आपस में जॉइन करना है। तीनों स्ट्राइप आपस में जॉइन करने के बाद हमें एक बेस बनाना है। देखिए, इसके लिए मैंने एक लाइनिंग के लिए फैब्रिक का कटिंग लिया है। टाइटनेस के लिए मैंने राइस बैग का कटिंग लिया है। और ऊपर हमने जो स्ट्राइप जॉइन करके बेस बनाया है वो रख के अपने को चारों तरफ से सिलाई लगानी है और क्विल्टिंग पैटर्न बनाना है। अभी जो हमने बेस बनाया है उसका नीचे वाले हिस्से में और ऊपर वाले हिस्से में इस तरीके से फोल्डिंग करके हमें पाइपिंग करनी है। अभी बेल्ट बनाने के लिए हमें एक फैब्रिक का कटिंग लेना है और टाइटनेस के लिए हमने शॉपिंग बैग का कटिंग लिया है और इसको चारों तरफ से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमें कट करना है। चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच करना है। आपको जितना विड्थ चाहिए उस हिसाब से आपको एडजस्ट करके आपको स्टिच करना है। अभी हमने जो बेस बनाया है उसको इस तरीके से फोल्ड करके आपको मिडल में एक मार्क करना है। जहाँ पे हमने अभी मार्क किया है वहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड में आपको 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करके और 2 मार्क करने हैं और वहाँ पे हमें बेल्ट अटैच करना है। बेल्ट की एक सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से बेल्ट को ऊपर के हिस्से में फोल्ड करके डबल स्टिच करना है। यहाँ पे हमारा बेल्ट अटैच होके रेडी हो गया है। देखिए, अभी हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और दोनों साइड अटैच करना है। दोनों साइड के रफ एजेस को पाइपिंग करके कवर करना है। पाइपिंग होने के बाद हमें बॉटम में दोनों साइड में 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके स्क्वायर कट करना है। ऐसे हमें बॉटम में दोनों साइड में करना है। बॉटम में हमने जहाँ पे स्क्वायर कट किया है वहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई लगा के ज्वाइन करना है।
दोनों साइड के रफ एजेस को पाइपिंग करके कवर करना है। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा अंदर के साइड में पूरा रफ एजेस पाइपिंग करके कवर हो गया है। देखिए अभी हम इसे उल्टा कर देते हैं। इसे आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ग्रॉसरी वगैरह लेके आना हो तो मार्केट से वो हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है और ये वॉशेबल है, वॉश किया तो भी कुछ ख़राब नहीं होगा। देखिए अंदर की साइड में भी बहुत सारा स्पेस है, मार्केट में हम इजीली यूज़ कर सकते हैं कुछ भी सामान लेके आना हो। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।